वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th NIOS इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसके टाइटल की। एज यू नो दैट स्क्वायरल का मीनिंग होता है गिलहरी एंड स्ट्रिप्स का मतलब होता है पट्टियाँ। तो गिलहरी को उसकी पट्टियाँ कहाँ से मिली? आपने देखा होगा स्क्वायरल जो होती हैं उनकी पीठ पर कुछ धारियाँ होती हैं, दैट मीन्स पट्टियाँ होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो स्टोरी है उसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि गिलहरी को उसकी पट्टियां आखिर कहां से मिली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 2। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोस एट द प्रॉपर टाइम। एंड हां, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो आल्सो। अगर आपने इस चैप्टर की स्टोरी नहीं पढ़ी है, दैट हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर आप इस चैप्टर को डिटेल में इजीली पढ़ सकते हैं ताकि स्टोरी एकदम आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो हमारा इससे प्रीवियस चैप्टर है, दैट मींस चैप्टर नंबर 1 व्हिच नेम इज स्नेक बाइट, उसको भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है एंड साथ ही इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स भी आपको इसी तरीके से समझा रखे हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी हमारे इंग्लिश के चैप्टर्स हैं वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एक एक चैप्टर को जो है अपना इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ हम लोग देख लेते हैं हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। एंड हाँ, एक चीज़ और है बच्चों, अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन प्लस आंसर्स इजिली समझने हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। सो फॉर द स्टोरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर इसकी स्टोरी को जरूर पढ़ें ताकि क्वेश्चन आंसर्स आपको और ज़्यादा इजिली समझ में आ जाए। नाउ लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं, हाउ डिड द मंकीज स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द सी। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो मंकीज हैं वो सी के ऊपर ब्रिज शुरू करते हैं बनाना। ब्रिज का मतलब आपको पता है पुल होता है। तो जो मंकीज होते हैं उन्होंने किस तरीके से समुद्र के ऊपर पुल बनाना शुरू किया, किस तरीके से उन्होंने पुल बनाया, ठीक है। बेसिकली जो ये स्टोरी है ना, ये रामायण को बिलोंग करती है। आपने देखा भी होगा, अगर आपने रामायण देखी हो, कि उसमें क्या था, मंकीज जो है वो पुल बनाते हैं राम जी के लिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है आप देख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मंकीज बिगिन ऑन दी स्टोन ब्रिज। हज़ारों जो मंकी होते हैं, बंदर होते हैं, वो पत्थरों का ब्रिज बनाना शुरू कर देते हैं। दे पुल्ड आउट द रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम दी माउंटेन्स। और ये जो सारे मंकीज होते हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों से पत्थरों को लाते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, हैवी स्टोन्स होते हैं, वो माउंटेन से उनको लाते हैं और ला लाकर वो जो है सी के ऊपर ब्रिज बनाना शुरू कर देते हैं। दे कट डैम इन टू शेप एंड बिगिन टू बिल्ड द ब्रिज। और उसके बाद जब ये बड़े बड़े हैवी स्टोन्स लाते हैं, उनको शेप्स में कट करते हैं और उसके बाद उनसे ब्रिज बनाना, ब्रिज के ऊपर मतलब ब्रिज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, समुद्र के ऊपर। तो इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ मंकीज ने जो है समुद्र के ऊपर पुल बनाया। नाउ लेट सी द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं। एंड हाँ, इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, या फिर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर चाहिए, जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर चाहिए, सो PDF यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वट वॉज द स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल डूइंग एंड वाई। जो छोटा वाला स्क्वायरल था, स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल, ब्राउन कलर का एक स्क्वायरल था छोटा वाला, वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, एंड देन यू गेट टू नो कि भाई जो छोटा वाला ब्राउन कलर का स्क्वायरल था वो क्या कर रहा था इसमें, गिलहरी मतलब। द स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल वॉज गोइंग अप एंड डाउन द सी शोर। जो छोटा वाला ब्राउन स्क्वायरल था वो ऐसे ही ऊपर नीचे जा रहा था सी शोर पर, ठीक है। He carried little pebbles in his mouth. और आपको पता है स्क्वायरल छोटा सा होता है, तो वो अपने छोटे से मुंह में छोटे छोटे pebbles, pebbles का मीनिंग होता है कंकड़, तो वो कंकड़ ले ले करके आ रहा था अपने मुंह में भर के, बिकॉज उसको भी क्या करना था, उसको भी हेल्प करना था उस ब्रिज को बनवाने में। अब जो मंकीज थे, मंकीज तो बड़े बड़े जो है स्टोन्स लेकर के आ रहे थे ताकि वो जो है उसको ब्रिज को बना सके, लेकिन जो स्क्वायरल था वो छोटा था और बेचारा अपने वजूद के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा था, जो उसके मुँह में कंकड़ आ रहे थे छोटे छोटे से, वो उनको ला करके मंकीज की हेल्प कर रहा था, सो दैट वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके कि भी हाँ मैं भी हेल्प कर रहा हूँ इस ब्रिज को बनवाने में, ठीक है। तो अपने मुंह में वो इस तरीके से पेबल्स लेकर के आ रहा था। He dropped them into the sea. और वो pebbles लाला कर, मतलब उन tinkers को लाला कर सी में उनको डाल रहा था ताकि वो भी कुछ मदद कर सके।
ही वॉज हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज एंड डिजायर टू वर्क हार्ड फॉर हिम। और इस तरीके से वो लिटिल ब्राउन स्क्वेरल जो है वो राम की हेल्प कर रहा था ताकि उस ब्रिज को वो बनवा सके, और वो अपनी इच्छा एक तरीके से पूरी कर रहा था कि मैं भी भगवान राम की कुछ हेल्प कर रहा हूँ, इस तरीके से वो मेहनत कर रहा था। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको हर एक चैप्टर को इंग्लिश के को मतलब डिटेल में पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो जॉइन माई सेकेंड चैनल विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश जो मेरा चैनल है उस पर मैंने हर एक चैप्टर को बिल्कुल एक एक लाइन को आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी हुई है, देन हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ढेर सारी जो अदर इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो सारी आपको मेरे लर्न इंग्लिश चैनल पर मिल जाती हैं। तो उसको भी आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आप देख सकते हैं। व्हाई डिड द ग्रेट मंकी गेट एंग्री। जो उन बंदरों में ग्रेट यानी बड़ा वाला बंदर था उसको गुस्सा क्यों आ गया, ठीक है, तो वो गुस्सा क्यों हुआ ये हमें देखना है। अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल कैरिंग पेबल्स सडनली केम इन द वे ऑफ द ग्रेट मंकी। एक छोटा सा ब्राउन स्क्वायरल जो था, जो अपने मुंह में पेबल्स ले लेकर आ रहा था, किंकड़ ले लेकर आ रहा था, वो सडनली जो बड़ा वाला मंकी था उसके पैरों में आ गया। मतलब जैसे कि क्या था कि जो मंकीज थे वो तो बड़े बड़े स्टोन लेकर के आ रहे थे ताकि वो जो है ब्रिज को बना सके, लेकिन जो स्क्वायरल था वो अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे पेबल्स लेकर के आ रहा था। तो मंकीज जैसे ही उस स्टोन्स को ढो रहे थे, लेकर के जा रहे थे, तो सडनली रास्ते में कौन आ गया, छोटा वाला ब्राउन स्क्वायरल आ गया, ठीक है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया मंकी ने उसका, तो वो पैरों में आने वाला था, ठीक है, वो गिरने वाला था, उसकी वजह से मंकी जो है वो गिरने वाला था। द ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग अ लार्ज हैवी स्टोन। और जो बड़ा वाला मंकी था वो बड़े बड़े हैवी स्टोन लेकर के आ रहा था। ही वॉज अबाउट टू फॉल बिकॉज ही हैड टू जम्प बैक टू अवॉइड द स्क्वायरल। और जैसे ही जो ब्राउन स्क्वायरल था छोटा वाला वो ग्रेट मंकी के पैरों में आया, तो मंकी ने क्या किया, जंप बैक किया, वो पीछे खिसका ताकि वो उसको कुचल ना दे या फिर वो उसके पैरों में ना आ जाए या फिर वो गिर ना जाए। तो वो जंप बैक हो गया ताकि वो स्क्वायरल को अवॉइड कर सके। देयरफॉर ही गॉट एंग्री। और यही चीज़ देखकर बड़े वाले मंकी को आ गया गुस्सा कि भी तुम क्या कर रहे हो, ब्रिज तो हम बना रहे हैं, हम हैवी हैवी स्टोन्स ला रहे हैं और तुम छोटे छोटे किंकर लाकर क्या साबित करना चाहते हो, तुम्हारी वजह से मैं गिरने वाला था। तो इसीलिए जो है मंकी को यहाँ पर आ गया गुस्सा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपका, What is Rama's role in the lesson How the Squirrel Got His Stripes? चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले स्टूडेंट्स, यू नीड टू नो दैट PSC बाई स्टडी सर्कल का अपना ऐप भी है, जहाँ पर आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ढेर सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे कोर्सेज हमने वहाँ पर लॉन्च किए हैं जिनकी डेमो वीडियो देखकर आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपके ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, आपको MS बोर्ड की A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे ऐप पर मिल जाता है, विच नेम इज़ PSC बाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, तो वहाँ से आप इन सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। चलिए तो देखो रामा का रोल पूछा है इस लेसन के अंदर, हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स, ये जो आपका चैप्टर है। रामा आस्क्ड द मंकी टू बिल्ड अ ब्रिज ओवर द सी। राम जो है मंकीज से बोलते हैं कि तुम क्या करो, तुम समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बना दो, सो दैट वो सीता को मतलब लेकर के आए रावण के चंगुल से, आपने देखा भी होगा आई थिंक रामायण। He was all praise for the monkeys for their strength and hard work. और जो राम थे वो जितने भी monkeys थे उन सभी की जो है praise कर रहे थे, उनको admire कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि भाई तुम लोग कितना strength के साथ, कितना hard work के साथ इस पुल को बनाने का काम कर रहे हो। He advised them not to make fun of or torture the squirrel. और इसके अलावा जो राम है वो monkeys को ये भी advise करते हैं कि तुम्हें छोटे से squirrel का ना तो मजाक उड़ाना चाहिए और ना ही उसको torture करना चाहिए, because वो भी अपनी तरफ से help कर रहा है, क्योंकि उसको मेरे से प्यार है। मतलब राम बोल रहे थे कि उसको मेरे लिए, उसके दिल में मेरी अफेक्शन है, दैट्स वाई वो भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसलिए तुम छोटे स्क्वायरल को ना तो टॉर्चर करो ना ही उसका मजाक उड़ाओ। His heart was touched by the squirrel's love. और जो राम थे उनका दिल जो है वो छोटे से स्क्वायरल के प्यार से, उसके अफेक्शन से टच हो गया था, मतलब उनके दिल को कहीं ना कहीं छू ली थी कि भाई हाँ छोटा स्क्वायरल भी कितना मेरे लिए काम कर रहा है। He held the squirrel close to his heart. और राम ने छोटे से स्क्वायरल को अपने दिल के करीब लगा लिया। चलिए तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, विच इज
हाउ डिड द स्क्वायरल गेट हिज स्ट्रिप्स। तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है वो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, जैसे कि नाम से ही आपको देख सकते हैं कि स्क्वायरल को उसकी पट्टियाँ कहाँ से मिली, दैट मीन्स जो स्क्वायरल की पीठ पर कुछ धारियाँ होती हैं वो उसको कहाँ से मिली। तो यही आपको बताना है इस आंसर के अंदर। एंड आफ्टर रीडिंग ऑल दी चैप्टर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दी चैप्टर, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर गिलहरी को उसकी पट्टियाँ कहाँ से मिली। When the squirrel fell into Lord Rama's hand, he gently and lovingly ran his fingers on the squirrel's back. जब जो squirrel था वो Lord Rama के हाथों में आगे गिरा, पता है क्या हुआ था? जो great monkey था, great monkey ने इस तरीके से squirrel को उड़ा करके फेंक दिया, तो उसकी वजह से वो squirrel उड़ता हुआ Lord Rama के हाथों में आकर के गिर गया। तो जब स्क्वायरल लॉर्ड रामा के हाथों में आके गिरा, तो लॉर्ड रामा ने उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटली एंड लविंगली अपनी फिंगर्स उसकी पीठ पर घुमाई, जैसे कि प्यार से हम किसी को सहलाते हैं, है ना। तो उसकी जब पीठ पर फिंगर्स को आराम से सहलाया उसको, तो द स्ट्रिप्स ऑन द स्क्वायरल्स बैक आर द मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामास फिंगर्स। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर ये माना जाता है कि जो स्ट्रिप्स हैं यानी गिलहरी की पीठ पर जो पट्टियाँ हैं वो जो लॉर्ड रामा थे उनकी उंगलियों के निशान हैं, उसकी वजह से उसकी पीठ पर पट्टियाँ आई। सो दीज ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स ऑफ द चैप्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन प्लस आंसर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स हैं उन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। एंड हाउ इफ यू वॉन्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ईजिली टेक फ्रॉम हियर। इसके अलावा लर्न इंग्लिश चैनल पर आपको हर एक चैप्टर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इजीली अवेलेबल हैं। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप एनआईएस के बच्चों के लिए हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारा टीम वर्क क्या है, तो आप देख सकते हैं आपके नोट्स असाइनमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए आप हमारे ब्लॉग चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, विच नेम इज तबस्सुम हैदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं ऐप पर पीएससी पाई स्टडी सर्कल, इसके स्टोरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी ऑल दी चैप्टर्स का, और साथ ही साथ प्रीवियस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर्स का। चलिए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।